हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुकिन खान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुकिन टेक। दोस्तों, हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है एक स्मार्टफोन की, जो कि वो बहुत अच्छा। अगर आप भी सोच रहे हो कोई स्मार्टफोन लेने की, तो आज आपको इसका सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आज आप सभी के लिए टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, जिसमें मिलते हैं आपको शानदार कैमरा, दमदार प्रोसेसर और एक अच्छी बैटरी लाइफ। तो चलिए जानते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में क्या है मेरी ओपिनियन वीडियो में। बाकी वीडियो को देखते रहिए। न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो हमारी लिस्ट में 5th नंबर पर है ऑनर का 9N। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है, इंडिया में आता बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है आपको ड्यूअल कैमरा, 3000 mAh की बैटरी, 5.84 फुल HD डिस्प्ले और किरिन 659 का प्रोसेसर, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो अमेजोन पर इसका प्राइस है 8,980 रुपये, 3 GB और 32 GB स्टोरेज के साथ। अगला वेरियंट है इसका 4 GB। और लिस्ट में 4th नंबर पर आता है मोटरोला 1 Macro। जी हाँ, मोटरोला बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन देने वाली कंपनी है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आपको देखने। इसमें मिलता है ट्रिपल कैमरा के साथ 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, 4000 mAh की बैटरी और इतने कम प्राइस में। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें प्रोसेसर MediaTek का हीलियो P70 बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और इसी इतने कम प्राइस में आपको देखने को मिलता है इसमें Type-C। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका अमेजोन पर प्राइस है एग्जैक्ट प्राइस 9,998 रुपये और 4 GB और 64 GB स्टोरेज के साथ। तो हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलता है Realme 3। जी हाँ, Realme 3 बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं Realme के भी। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ और इसमें भी आपको 6.2 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिस पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4230 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत अच्छी बैटरी है। और इसमें ड्यूअल कैमरा मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो उसमें भी सेम प्रोसेसर है, MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर है। इसके अमेजोन पर इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो 8,790 रुपये, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ। तो हमारी लिस्ट में जो 2nd नंबर पर आता है वो है Redmi Note 8। जी हाँ, इसमें मिलता है आपको क्वाड कैमरा, यानी कि 4 कैमरे। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करूँ 6.3 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है। और अगर इसमें प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें Snapdragon का 665 का प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर की तरफ से देखा जाए तो ये खास तौर पर गेमर्स के लिए बनाया। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गेम खेलने का शौक है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, Redmi Note 8। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो अमेजोन पर इसका प्राइस है 9,999 रुपये, और 9,999 रुपये में इसमें मिलता है आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों, अब बारी आती है नंबर 1 फ़ोन की। जी हाँ, जिसको मैंने लिस्ट में जगह दिया है नंबर 1 पे, जिसके लिए आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उस फ़ोन के बारे में। उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वो कौन सा फ़ोन है जिसको मैंने लिस्ट में पहली जगह दी है, वो है Vivo U10। जी हाँ, Vivo का U10 बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा और 6.35 HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और इसमें जो प्रोसेसर की बात करूँ तो Snapdragon का 655 का प्रोसेसर है। और अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। जी हाँ, इसलिए मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है पूरे दिन फ़ोन को यूज़ करने की, तो इसमें आप पूरे दिन फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5000 mAh की बैटरी है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो अमेजोन पर इसका प्राइस है 8,990 रुपये और 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ।